हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेकअप लुक। ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी करने वाला मेकअप लुक है और ये मैंने यूज़ किए हैं सिर्फ लैक्मे के प्रोडक्ट। वन ब्रांड मेकअप लुक होगा ये, क्योंकि लैक्मे ऐसा प्रोडक्ट होता है आप चाहे तो ऑनलाइन स्टोर से लें या फिर लोकल स्टोर से, हर जगह मिल जाता है ये। और ये लुक अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड। तो मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं इस वीडियो में, चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मेरा फेस ऑलरेडी क्लीन है और मॉइस्चराइज है, तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ प्राइमर से। ये लैक्मे परफेक्ट ब्लर प्राइमर है, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है और प्राइमर किसी भी मेकअप के लिए बहुत ही मस्ट होता है फ्रेंड। इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज कर देता है और मेकअप को जो बनाता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक मेकअप आपका टिका रहता है। अच्छे से मैंने इस अपने फेस पे, नेक एरिया पे ये जो प्राइमर है उसको लगाया है। फिर मैं ले रही हूँ ये लैक्मे 925 का फाउंडेशन है फ्रेंड। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से सूट भी करता है और ये नेचुरल कवरेज देता है। ऐसा लगेगा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप किया हुआ है। लाइक आप बीबी क्रीम लगाते हैं सेम वैसे ही लुक आता है और काफ़ी लंबे समय तक टिका रहता है। तो मैंने इसको पहले डॉट डॉट करके भी लगा सकती हूँ, बट मैं आज इसको पहले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से स्प्रेड कर ले रही हूँ और फिर मैं इसको डैप डैप करके पूरा अच्छे से स्किन पे ऑब्जॉर्व करूँगी, ताकि ये जो अच्छे से ब्लेंड रहेगा कोई भी आपका जो मेकअप बेस है तो लंबे समय तक टिका रहता है, उसको क्रीज होने का या फिर काले पड़ने का डर भी नहीं होता है। तो अच्छे से मैंने स्प्रेड किया है नेक एरिया पे और फेस पे, उसके बाद मैंने उसको ब्लेंड किया है। फिर मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ। और ये मेकअप जो मैंने बताया कि आपको किसी भी एज पे सूट करने वाला है, अगर आप टीनेजर हो या फिर मैच्योर एज हो, सब पे ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंड। और मैंने कोई भी इसमें ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए हैं, बहुत नॉमिनल प्रोडक्ट यूज़ करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। अब आईब्रो के लिए मैं काजल ले रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक का, और एक एंगल ब्रश की हेल्प से आप इसको फिल करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर का है तो छोटे छोटे स्ट्रोक देके आप आईब्रो फिल करिए, फिर इसको सेप दीजिए पहले, फिर इसको फिल करिए। और फिर दोनों आईब्रो को मैंने सेम ऐसे ही किया है। आईब्रो फिल होने के बाद मैं काजल लगा रही हूँ, सेम आइकॉनिक काजल है लैक्मे का, और बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल काजल लगा रही हूँ मैं ये। फिर मैं ये ले रही हूँ लाइनर, ये बहुत ही रिजनेबल लाइनर पड़ता है, ये लैक्मे इंस्टा लाइनर है। ये वाटर प्रूफ नहीं है बट वाटर रेजिस्टेंट है और इजी टू यूज़ है। इसका जो कलर आता है बहुत ही ब्लैक जेट आता है और मैं बहुत ज़्यादा थिक लाइनर नहीं लगा रही हूँ, लाइट विंग निकाल के लाइनर लगाया है। देन मैं ले रही हूँ अपना जो आई मेकअप होता है उसको कंप्लीट करने के लिए मस्कारा। मस्कारा सेम आइकॉनिक का ही है और आईलैशेस पे मैंने अच्छे से लगाया है। अब लिप कलर लगाने से पहले, यानी लिपस्टिक लगाने से पहले, पहले लिप लाइनर लगाया है मैंने, लिप को सेप दिया है अच्छे से, और फिर मैं लगा रही हूँ लैक्मे 925 का लिपस्टिक। और जो लिप लाइनर है वो भी ही लैक्मे का ही है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट एक ही ब्रांड का बना रही थी इसलिए मैंने सारे लैक्मे के ही लिए। अब लिप कलर लगाने के बाद मेरे पास लैक्मे का कोई भी ब्लशर या फिर आई शेडो नहीं है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। तो ब्लशर की जगह मैं लिपस्टिक को हल्का सा डॉट डॉट करके ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। तो आप देख सकते हैं मेरे चेक हल्के हल्के पिंक हो गए हैं ब्लशर का काम। ये लास्ट प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल एक मैजिक प्रोडक्ट है, आपके पास होना ही चाहिए आई थिंक। ये लैक्मे का है फेस सीर और बहुत ही अच्छा है। एक अब मैंने इसे हाईलाइटर के जैसे यूज़ किया है नोज़ पे, चिक पे और ब्रो बोन पे। तो ये है मेरा कंप्लीट लुक फ्रेंड। ओ फ्रेंड, ये लुक आपको अच्छा लग रहा हो, ये बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक है। ये मैंने हेयर स्टाइल बनाने के बाद, ड्रेस चेंज करने के बाद, ये है मेरा कंप्लीट लुक। आई होप आपको अच्छा लगे। बाय।